गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और आज है पारन का दिन। पारन के दिन क्या होता है कि थोड़ा अच्छा अच्छा खाने को मन करता है, मगर मेरी जो मम्मी है सासू माँ, उनको कुछ नहीं, साग भात दे दो, सूखा साग, वो भी सरसों का, तो उनको यही डिमांड थी। फिर भी मैंने घर में आज दाल चावल बनाया है और उनका मन था सिर्फ भुजिया बना दो, कुछ नहीं, सब्जी खा खा के वो हो गए। तो मैंने दाल चावल भुजिया बनाया है और साग भी है और पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े तो डेली ही हो रहे हैं, इतने दिनों बाद आए हैं, तो मेरा ये रहता है कोशिश कि डेली पकोड़े उनको दूँ। यहाँ थोड़ा सा मैं टर्न कर लेती हूँ ताकि ये दिखे। मेरी कोशिश रहती है कि डेली थोड़े बहुत एक आधे पकौड़े हो जाए। कभी कभी आलू के ही हो गए, आलू वो नहीं खाते हैं, मगर गोभी का तो डेली होना चाहिए। तो ये कोशिश है मेरी और लगा है खाना पारन के दिन का। और वैसे तो पारन में कहते हैं ना कि एकदम आपका जो मन कर रहा है वो खा ले, खा लेना होता है, चटपटा सा कुछ खाना होता है, मगर मम्मी का नहीं। मम्मी को ना आप लोग जानते होंगे अरविच हो गया। अरविच का मतलब होता है कि भूख ना लगना, इस टाइप से भूख ही नहीं लगता, कुछ भी स्वाद नहीं लगता। तो मम्मी के लिए अलग से मैंने इस बाटे में पूरे में साग दे दिया है, खाओ। वो भी हम लोग जो है बिहारी स्टाइल में साग बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा सूखा वाला भून के और अपना दे दिया। और यहाँ दाल है, वो भी दूंगी, दाल भी दूंगी। अंकल जी का भी खाना लगाया क्योंकि आज अंकल जी छुट्टी पे है, मम्मी बाबू जी हैं तो बस उनको घर पे ही मन लगता है ना। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अभी थाली, थोड़ा सा बस पकौड़े बना लूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ थाली। खाली के टाइम में मिलते हैं। छठ का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, नहीं लगा वो भी बताइए, किस लिए नहीं लगा। मैंने अपने अपनी तरफ से सारी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो वो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर अभी तक चेक नहीं किया है, छठ का व्लॉग नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बने रहिए एंड तक। बहुत बातें हो गई, पकौड़े जल जाएंगे। और यहाँ पर थाली लग गई है, ये बाबू जी की है, ये मम्मी की है और ये है आपके अंकल जी की, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि रोटी है तो दो दे दो, तो दो रोटी उनके लिए बननी है और बाद में मैं अपने लिए भी बनाऊंगी। तो बने रही है मेरे साथ एंड तक। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि बाबू जी हैं और अभी तेज बोल नहीं सकती। दिया चैटा तीन दिन चैटा दिया धीरे दिया था मुझे तो हाँ हमार छी है सब दिन ना। और यहाँ पर सभी को खाना दे चुकी हूँ, गोलू का वेट कर रही हूँ। गोलू आएगा तो मैं और गोलू खाना खाएंगे, और कहीं जाते हैं दादी के साथ तो आप लोगों को भी शेयर करूँगी वो चीज़। और यहाँ पर मैं काम वाम करके सो गई थी, खाना पीना खा के सो गई थी, सो ही नहीं थी, आराम कर रही थी, फिर भी मैंने एक घंटे की अच्छी झपकी ले ली। गोलू बीच में आया, गोलू लंच वंच करके गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। और मुझे उठाया है मेरी सहेलियों ने, मेरी फ्रेंड्स आई हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये फ्रेंड्स आई है, इसने पूरा घर इन्होंने मेरा सही कर दिया, सारी साड़ियाँ फोल्ड कर दी दो दिन से। और कुसुम से मिलवाती हूँ, कुसुम गई है चाय बनाने। भाई मेन बात है ना, हाँ बस है ना कि क्यों मतलब को नहीं तो मैं देख लिया आ तो कह रहे हैं अब बता रहे हो जमीन के तो सही हो जाए नहीं तो क्या। ये देखो कुसुम आ गई, चाय बना रही है कि आप रेस्ट करो, मैं चाय बनाती हूँ। चाय चढ़ा दी, कप मिलेगा कि नहीं? वो तीन वहाँ रखे और इसमें होगा। अभी तो मैं खुद ही इतने दिनों बाद आई हूँ, कहाँ क्या पड़ा है ना, खोलना इसी में एक आधी होगा तो होगा, देखती हूँ मैं, रुको। और कुसुम के हाथ की चाय पीनी है, आप लोग भी आ जाइए, बहुत अच्छी चाय बनाती है, साक्षी की तरह नाप नाप के।
साक्षी का भी कॉल आया था, आंटी सब जने आ जाओ, तो सब जने जाएंगे साक्षी से भी मिलने एक बार। और देखिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ आराम से आसन लगा के। अंकल जी ने बोला कि मेरे फ्रेंड्स के लिए प्रसाद पैक करो, तो इस बार मैंने किसी को भी नहीं दिया है, हमारे नेबर्स जितने भी है सबके यहाँ जाता था बट नहीं दे पाई हूँ क्योंकि देने वाला ही कोई नहीं है, और प्लस मेरे से ना इतना ज़्यादा हुआ नहीं, बस पूजा पूजा के लिए ही हो पाया, तो अंकल जी के दो चार फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने पैक कर दिया, और कुछ नहीं कर पाई इस टाइम पे क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं पैर की हालत। आज मैं मतलब आज पारन का नेक्स्ट डे है और ये वीडियो अब जाएगी, तो यानी कल शाम की वीडियो है। आज शाम को बहुत मतलब बुरा वाला हाल हो रखा है पैर का, मैं बता नहीं सकती, फिर भी यही है ना कि थोड़ा काम तो करना ही है, जो मेरा काम है वो तो मुझे ही करना पड़ेगा चाहे कैसी भी हालत हो। तो मतलब यहाँ पर पैक करते करते बैठी हूँ नीचे, तो बैठने के बाद मेरे से उठा ही नहीं गया काफ़ी देर तक, फिर गोलू आया उसने उठाया। यहाँ पर सारा माला वाला सब अरेंज भी करना होता है ना कि बना और कैसे कैसे रहा, तो मैंने बैठे बैठे ही अरेंज कर दिया, गोलू आया तो उसने सारा सही कर दिया, जहाँ जहाँ रखना था रख दिया। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने अगर किया है छठ तो पारन के दिन क्या खाया, क्या स्पेशल होता है सब बताइएगा। और गोलू को तो पूजा करनी होती है, तो ये सब करने के बाद अरेंज गोलू ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी करने लगी, मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा ही सब्ज़ी बनाना, ज़्यादा नहीं थोड़ी सब्ज़ी बनाई है क्योंकि दिन वाली भी बची हुई थी, तो सब कुछ बचा था, दाल भुजिया सब था, तो थोड़ी सब्ज़ी बना ली। और बाबूजी ना ज़्यादातर दूध रोटी खाना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ी सब्ज़ी चाहिए बस, दूध रोटी चाहिए, तो हो गया था। खाना पीना खाने के बाद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टाइम हो, बहुत मतलब देर हो गया था, जल्दी जल्दी खिलाते पिलाते ही हम लोगों को 11 करीब बज गए। और सीताफल आलू की सब्ज़ी सभी को अच्छी लगी। आप लोगों को अगर सीताफल और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कभी और बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी फुल रेसिपी की। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो पारन की, पारन में दिन में क्या बना, रात को क्या बना, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए, आप लोग भी कहेंगे लाइक भी कहते सब्सक्राइब भी कहते, तो सब्सक्राइब तो कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, तो जितनी भी वीडियो हम लोग आप मतलब बनाते हैं और YouTube पे डालते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ही नोटिफिकेशन मिलेगा कि आ गया आंटी का ब्लॉग। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे का मैं अब स्टार्ट करूँगी, ये नेक्स्ट डे ही है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे का स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ी देर बाद, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह चाय पानी हो गया है दो बार, फिर मैं उठी हूँ, क्या क्या बनाती हूँ क्या नहीं, और दादाजी और अंकल जी छत पे हैं इसीलिए अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, है ना। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अभी इस व्लॉग में इतना ही, इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, हमारी फैमिली बढ़ाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।